अजमेर के सीएमएचओ कार्यालय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के लिए एएनएम की काउंसलिंग की जा रही है। इसे लेकर 300 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी दस्तावेजों की जांच कर उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि अजमेर जेएनएम में 60 पोस्टों के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। उसे लेकर दस्तावेज की जांच कर उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिसके बाद उनका प्रशिक्षण होगा। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की काउंसलिंग है और कितने अभ्यर्थी है? ये आज एएनएम्स की काउंसलिंग है। अमूमन हम लोग 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, तो करीब 60 एएनएम्स की पोस्ट है हमारे पास और हमने 300 कैंडिडेट्स को बुलाया है और उनके डॉक्यूमेंट्स की आज जांच की जा रही है और फिर शाम तक चलेगी ये काउंसलिंग 10:30 से 5 तक एक ही सेशन में, और उसके पश्चात रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।